الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام تعریفیں صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت ہی رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اس سے ہی مدد چاہتے ہیں. ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ ان کا جن پر غضب نازل کیا گیا اور نہ گمراہ ہوگا. آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تفسیر اور وضاحت اس سے پہلے پیش کی گئی، اور آج اس میں چند باتیں جو رہ گئی ہیں وہ پیش کی جائیں گی، اور پھر خلاصہ طور پر اس سورہ میں ہمیں کس کا حکم دیا گیا ہے وہ پیش کیا جائے گا، تاکہ جو بات طویل ہوگی وہ مختصراً ایک ساتھ آ جائے. پہلی بات وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر قرآن کریم کے تمام مقاصد جمع ہیں. اس میں توحید کی تینوں قسمیں، آخرت، اعمال، جزا اور سزا، عبادات، اور اسی طریقے سے تاریخ، انبیاء علیہ السلام کے اور اچھے لوگوں کی، یہود و نصارہ کی تاریخ اور برے لوگوں کی، مجرموں کی، قصص. قرآن کریم کے جتنے مقاصد ہیں سب کی سب اس سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں. دوسری بات وہ یہ ہے کہ اس میں رسالات اور نبوات بھی ہیں، نبوتیں بھی ہیں، رسالتیں بھی ہیں، اور یہ کئی طریقوں سے معلوم ہوتی ہے. یہ بات پہلی چیز وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، رب تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے. تو ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ نبی اور رسول بھیجے تاکہ لوگ رب کو پہچانیں. دوسری بات وہ الرحمن الرحیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت محیط ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو بھیجے، اور اس نے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا. لفظ اللہ اور مالک یوم الدین، لفظ اللہ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ معبود ہے، وہ معبود برحق، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تو صحیح مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے. یہ دونوں بھی اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ نبی اور رسول کو آنا چاہیے.
इसलिए कि इबादत का तरीका कैसे मालूम होगा जब तक अल्लाह तबारक व तआला रसूल ने भेजे के साहब ने भेजे, हम इबादत सही कर नहीं सकते, उस तरीके पर नहीं कर सकते जो अल्लाह ताला को चाहिए, जब तक कि अल्लाह का नुमाइंदा ना आए और वो हमें इबादत का तरीका ना बताए। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की इबादत की पूरी तफासील बताई। कुरान करीम में तफासील नहीं है। मालिक यौमिद्दीन, इससे भी नबूवत और रिसालत का इस बात है, जब वो जजा और सजा के दिन का मालिक है तो जब तक कोई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बताने वाला ना आए तो अल्लाह ताला उसको जजा उसको सजा कैसे देगा? कहीं हमारे पास कोई है नहीं कि हम तेरी इबादत करें और हम इबादत करके यहाँ जजा के मुस्तहक हूँ, तेरी सजा से बचें। तो इससे भी नबूवत और रिसालत का इख़लास होता है। सरासर नदी नाम चाले ही, इसमें भी खुद जिक्र कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने दो फीले गए इसकी वजाहत में कि अम्बिया अलैहिस्सलाम इनके नक्श कदम पर चलेंगे कैसे जब तक वो मौजूद ना हो, तशरीफ न लाए। सरात मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा, सीधा रास्ता मालूम होगा रसूलों से, नबियों से, अल्लाह तबारक व तआला की किताब से। इसलिए इस सूरह के अंदर बहुत सी चीज़ें, बहुत सी आयतें और अल्फाज ऐसे हैं, जुमले ऐसे हैं कि जो इस पर दलालत करते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम और रसूलों का आना ज़रूरी है और उन पर ईमान। जब ये सूरह ख़त्म हो जाए तो आमीन कहना है। आमीन ये कुरान करीम का लफ्ज़ नहीं है, आमीन ये कुरान करीम का हिस्सा नहीं है। इसलिए कुरान करीम में आप कहीं आमीन लिखा हुआ नहीं देखेंगे, और जो लोग लिखते हैं वो गलत करते हैं। आमीन पढ़ना है, कहना है। जब सूरह फातिहा पढ़ी जाए और ख़त्म हो तो उसके बाद आमीन कहा जाए। आमीन का माना है इस्तजीब, दुआ कबूल कर ले, ये दुआ है, अल्लाह दुआ कबूल फरमा ले। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि आमीन का माना है वकज़ालिका यकून, इसी तरह हो, जो हमने मांगा है उसी तरह हो जाए। कुछ कहते हैं कि आमीन ये अंबिया ये अल्लाह तबारक व तआला के नामों में से एक नाम है। कुछ लोगों ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की मुहर है, इसके लगने के बाद गोया वो दुआ कबूल होती है। आमीन ये इस उम्मत की खसूसियत है, आमीन कहना इस उम्मत की खसूसियत है। हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, हारून अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा, उसके अलावा इसका जिक्र कुरान करीम में है, लेकिन आमीन कहना उनकी शरीयत में नहीं था। और इसीलिए फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम्हारे आमीन कहने पर तुमसे यहूद सबसे ज़्यादा हसद करते हैं। तो जब ये सूरह पढ़ी जाए तो आमीन कहा जाए। और नमाज में आमीन कहना, ये कहना जब सूरह पढ़ी जाए तो आमीन, ये सुन्नत है, इसका हक सुन्नत का है। और नमाज में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहने की फजीलतें बताई हैं,
कि नमाजी की आमीन फरिश्तों की आमीन मिल जाए या नमाजी की आमीन आसमान वालों की आमीन मिल जाए, बराबर हो जाए, तो आमीन कहने वाले के तमाम गुनाह बख्श दिए जाए। यह है सूरह फातिहा। इस सूरह में जो अहकाम हैं, इस सूरह में जो तकाज़े और मुतालबात हैं, जो हमें करना है, जिस पर तफासील आपके सामने पेश की गई, पहली चीज़ वो है सूरह फातिहा को हिर्द जान बनाना। इसको कसरत से पढ़ना, इसलिए कि शिफा ही है, जो सही अहादीस से शिफा के वाक़ियात हैं और जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि शिफा कुल दा, सूरह फातिहा हर बीमारी की शिफा है। दूसरी चीज वो है तआवुज़, अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में आना। हम हमेशा हर मौके पर जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं बताई हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में हैं, शैतान मर्दूद से, मुसीबतों से, परेशानियों से, फख्र फाका से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अहादीस का ज़खीरा है इस्तियादा पर, शैतान से, शैतान के शर से। तअवुज़ इसलिए कि हम नहीं बच सकते जब तक अल्लाह न बचाए, हमें इन शुरूर व आफात से पनाह नहीं मिल सकती जब तक अल्लाह तबारक व तआला पनाह न दे। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की पनाह में आना, यही तौहीद है, ये तौहीद है, गैरों की पनाह में नहीं जाना। तीसरी चीज वो है हर काम को बिस्मिल्लाह से शुरू करना, हर काम को अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू करना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना। इससे काम में बरकत होगी, अल्लाह की मैयत होगी, काम मुकम्मल होगा, नेमत पूरी होगी। फिर ये कि गलत काम वो नहीं करेगा, इसलिए कि बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेगा और गलत काम करे तो हराम कारियों से इज्तनाब है। और इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हर मौके पर अल्लाह के नाम से कोई चीज़ शुरू करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला के नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फरमाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन इन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुव अक्तर व अबकर, हर काम जो अल्लाह के नाम से न शुरू किया जाए वो नाकिस होता है, दुबूरीदा होता है, मुकम्मल नहीं होता। कोई भी काम, खाने खाना पकाना हो या खाना खाना हो, घर में दाखिल होना हो, घर से बाहर निकलना हो, जिंदगी के हर मैदान में, फिर उसके बाद हमदे बारी ताला है। चौथी चीज अल्लाह तबारक व तआला की हम हमारी सांसों में, उसकी नेमतें इतनी हैं कि जितनी भी हम हमद बयान करें कम है। अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला, जहाँ भी हम नजर दौड़ाएं ज़मीन व आसमान में अल्लाह तबारक व तआला की खिलकत में, तो हम अल्लाह तबारक व तआला की हमद बयान करें। अल्लाह तबारक व तआला हमद को पसंद करता है, इन रब्बकुम युहिब्बुल हमद,
आपका रब हम तुमको बहुत पसंद करता है। तो बातें और हदीस पेश की जा चुकी है, ये इख्तसार से बताया जा रहा है कि हमें इस सूरह में क्या करना है और क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो अल्लाह सुबहानहू व तआला की हमद। चौथी चीज़, और इसीलिए कुरान करीम के आगाज़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह है, मामले के शुरू में भी अल्लाह की तारीफ की जाए, आखिर में भी तारीफ की जाए। जब खुतबा शुरू होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू होता है, और आखिर में वाखिर दावाहुम अनिल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उनकी आखिरी पुकार, आखिरी दुआ होती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम अफजल दुआ है, सबसे अफजल दुआ है। पांचवी चीज वो है रब, हम अपनी इबादतों में जितना लफ्ज़ रब देखते हैं और कम पाते हैं, और सिफात और सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल आला, रब्बना वलकल हम्द, रब्बी रब्बना, दुआओं में पालने वाला है। आगाज भी कमाल भी, इसीलिए रब के अंदर यह है कि पालता है और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता हसबे हाजत व ज़रूरत उसके पालने में इजाफा करता रहता है, यहाँ तक कि उसके पालना मुकम्मल होता है। और ऐसे तरीके से पालता है कि अपने दंग रह जाते हैं। रब है वो, हम सबको पाल रहा है वही। इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं गोश्त, भुना हुआ गोश्त लेके बैठा था खाने के लिए, एक बिल्ली आई और बिल्ली एक गोश्त का टुकड़ा उठा के लेके चली गई। मैंने कहा ये मेरे खाने को बिल्ली क्यों लेके गई, मैं उसके पीछे गया। वो फरमाती है जब पीछे गया तो सुनसान इलाके में जा रही है, वो मेरे तजुब में और इजाफा हो गया। ऐसी जगह गई जहाँ बिल्कुल मैदान था और एक जगह उस गोश्त को के टुकड़े को रख कर वापस आ गया, खाया नहीं, मेरे तजुब में और इजाफा हो गया। मैं भी इंतजार करने लगा कि गोश्त को वहां रख के भागी, जबकि मुझसे गोश्त से छीना था। तो मैं क्या देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा अजदहा अंधा वो जमीन से निकलता है, उस गोश्त को टुकड़े को उठाता है और लेकर अंदर चला जाता है। उनका सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला अपने दुश्मन से दुश्मन को इसको पहुंचाता है, इस तरह पालता है अल्लाह तबारक। सांप अंधा है, अपने रिस्क के लिए दूसरी नहीं कर सकता, जल्दी नहीं कर सकता। अब उसको रिस्क कहाँ तक पहुंचे, कैसे पहुंचे, तो उस बिल्ली को इस पर अल्लाह ताला ने मामूर किया कि उसको रिस्क पहुंचाए। तो किसान बिल्ली खा जाता है, अब वो बिल्ली इसी तरह उनका गोश्त, उन्होंने सब उनका गोश्त इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह ने गोश्त गया तो उन्होंने तहकीक किया, पीछे पड़े। अजीब है पालने वाला, इसलिए रब का होना, ये लफ्ज इस्तेमाल करना, इससे दुआ कबूल होती है। तो हम अपनी दुआओं में खूब रब से दुआ मांगे, रब के लफ्ज से रब बना, रब भी। यह है इस सूरह फातिहा से जो बातें अहम मिलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये ज़हन में रहे रहमत, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत। छोटी चीज है ये,
छठा हुक्म और छठा तकाजा अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत वसी है, बहुत मेहरबान है अल्लाह तबारक। तो फरमाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला ने 100 रहमत पैदा की, एक रहमत को दुनिया में उतारा, जितनी भी मेहरबानियाँ मोहब्बतें शफ़क़तें पाई जाती हैं सब उस एक हिस्से से है। 99 रहमत अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है, वो उन 99 रहमतों से बंदों पर रहम करता है। जब एक रहमत का हाल हमारे यहाँ ये है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दे के बताया कि एक घोड़ा या घोड़ी अपने बच्चे से अपने पाँव को उठा लेती है ताकि उसका पाँव उस बच्चे पर न लगे और उसको तकलीफ न पहुंचे। ये रहमत जो जानवरों में पाई जाती है ये उसी एक रहमत पे एक हिस्सा उसका दी जाए तो रहमान रहीम है वो। अब अगर मुसीबतें कितनों क्यों ना आ जाएं, कभी ये ना सोचें कि रब जालिम है, हमेशा ध्यान में रहे रहमान और रहीम। यकीनन कोई इसमें हमारे लिए फ़ायदा है, कोई उसकी रहमत का तकाजा है जो हमें ये चीज़ मिली है, इसलिए कि बुलंदियाँ मशक्क़तों के बगैर नहीं मिलती, बुलंदियाँ मशक्क़तों के बगैर नहीं मिलती। तो हमें ऊंचा पहुंचाना है अल्लाह तबारक व तआला, और ऊंचा पहुंचाने के लिए चढ़ने के लिए मेहनत पड़ती है, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का तकाज़ा है। या ये कि ये मुसीबत हमें अल्लाह तबारक व तआला ने रहम किया है हल्की दी, इससे भी बड़ी मुसीबत दे सकता है। तो इम्तिहानात हों, मसाइब हों, तकदीर हों, सब में इंसान के सोचना चाहिए अल्लाह ये ध्यान में रहमान और रहीम है तो कभी उसकी ज़बान पे हर्फ शिकायत नहीं आएगा, कभी अपने आप को रब्बुल आलमीन के सामने झुका लेगा। सातवीं चीज है मालिक यौमिद्दीन। इस दुनिया में हमें आखिरत की तैयारी करनी है, हमें इसमें बताया गया है जन्नत हमें चाहिए, अल्लाह की रहमत चाहिए, वहाँ कामयाबी चाहिए। अगर आखिरत में सुरखरू होना है तो हमें आखिरत पर पहले पुख्ता यकीन रखना है, ये अकीदा आखिरत का, इसलिए कि इंकलाबी अकीदा है। इसमें थोड़ा सा भी शक इंसान को शिर्क के दायरे में ले जा सकता है, और कोई कितनों नेकियां क्यों ना करे अगर ये ईमान और अकीदा नहीं है तो फिर वो तमाम नेकियाँ अकारत हैं कलादम हैं। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा था इब्ने जदान के बारे में, इब्ने जदान के बारे में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बड़ा फ़कीरों को खिलाने वाला शख्स था, हमारे जाहिलियत के एक सरदार था, बड़ा सफ़ी था, तो क्या उसको ये सखावत उसका ये माल खर्च करना उसको फ़ायदा देगा। फरमाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नहीं, उसने कभी ये नहीं कहा रब्बी इग़फिर ख़तियती यौम अद्दीन, ये मेरे रब मेरी जज़ा व सज़ा के दिन मेरी गलतियों को माफ़ कर दे, कभी नहीं कहा। यानी उसका आखिरत पे ईमान नहीं था, पास बादल मौत पे ईमान नहीं था, इसलिए ये नहीं कुछ काम नहीं आएगी। तो आखिरत पर पुख्ता हमारा अकीदा, पुख्ता शकों को शुबहात पैदा करने वाले पैदा करें, चूँकि नकद नहीं है, जो चीज़ सामने होती है उस पर ज़्यादा यकीन होता है, और जो चीज़ सामने ना हो यकीन उसमें कम हो जाता है। तो हम सामने से ज़्यादा बढ़कर उस पर यकीन करें आखिरत को, और फिर उसके लिए कमर बस्ता हो जाएंगे उसकी तैयारी के लिए। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चीज़ें बताई जिससे हमारी आखिरत संवर जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया
हिसाब नहीं, बस तो उसे लोग हयात दुनिया और आखिरत खैरुन वअबका, बल्कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो नकद की वजह, सामने की वजह से, हालांकि आखिरत तुम्हारे लिए बेहतर है और बाकी रहने वहां की जिंदगी बाकी और बेहतर रहने, वहां की जिंदगी कामयाब जिंदगी चाहिए। और फिर उन चीजों की बता दिया जिससे आखिरत की आजहानी हो। मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत करो क्योंकि इन्हा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा व तुज़क्किरुल आखिरा तुज़क्किरुल मौत, यह आखिरत को याद दिलाती है, कब्रों की ज़ियारत मौत की याद दिलाती है, और मौत का ताल्लुक भी आखिरत के मराहिल से, मौत की याद दिलाती है, मौत को याद करने से भी आखिरत याद आएगी। तो इसलिए जो इंकलाबी अकीदा है, पुख्ता अकीदा, तौहीद जो तीनों किस्में हैं, इसमें ये बात बताई गई, और फिर ख़ास तौर से आखिरत पर यकीन, जजा और सजा का दिन, मालिक यौम अद्दीन, फिर उसके बाद ये है कि दुआ खूब मांगी जाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين, दुआएं खूब मांगी हैं अल्लाह तबारक व तआला से, और दुआ मांगने का तरीका बता दिया अल्लाह तबारक व तआला, दुआ मांगने का तरीका, कोई चीज पहले ही ना मांग ली जाए अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह ताला हमद बयान की जाए, उसकी सना बयान की जाए, उसकी बुजुर्गी बयान की जाए, और अपने गुनाहों का गलतियों का इकरार किया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा जाए, फिर उसके बाद दुआ मांगी जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, सूरह फातिहा से तो ये हमद है, सना है, बुजुर्गी बयान करना ये मालूम हुआ, और हदीस से दुरूद शरीफ का पढ़ना मालूम होता है कि दुआ मांगने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, अल्लाह को महबूब है, खुश होता है अल्लाह तबारक व तआला। फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब तुम नमाज पढ़ो तो उसमें पहले हमद बयान करो, फिर सना बयान करो, फिर बुजुर्गी बयान करो, फिर मुझ पर दुरूद भेजो, फिर दुआ मांगो, तुम्हारी दुआ कबूल की जाएगी। इसलिए हमारे असलाफ तो शुरू और आखिर दोनों में दुरूद पढ़ते थे, शुरू और आखिर दोनों में दुरूद पढ़ा करते थे, और बास की आदत थी कि बीच में पढ़ लिया करते थे ताकि दुआ कबूल हो। यह असलाफ का वाक्य है, असलाफ का तरीका था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और फिर दुआ अहम से अहम मांगी जाए, यूं तो हर चीज मांगी जाए, और सबसे अहम दुआ हिदायत की दुआ, हिदायत मिल गई तो बेड़ा पार हो गया, और दुआ अल्लाह से ही मांगी जाए, गैर अल्लाह से नहीं। जिस तरह इबादत सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला की जाए, उसी तरह अल्लाह से ही दुआ मांगी जाए, ये दोनों इबादत हैं, दुआ इबादत भी है, और दुआ से जरूर याद पूरी होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद में दुआ हो इबादत, दुआ हो इबादत, दुआ इबादत है, और अल्लाह तबारक व तआला ने भी अपनी किताब में इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, यानी दुआ नहीं मांगते, इबादत दुआ के माने हैं, तो जहन्नम में जलील होकर मुंह के बल जाएंगे, दाखिल हो गया उसमें। तो दुआ हम अपनी ज़िंदगी का लाजमी जुज बना समझ लें, हर जगह हर वक्त दुआ अल्लाह से, अल्लाह तबारक व तआला से, कोई भी काम रब के सामने हाथ फैला दें। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम्हारा रब बड़ा शर्मीला है, बहुत पर्दापोश है, जब तुम्हें को कोई हाथ उठाता है तो उसे शर्म आती है कि उसको खाली लौटा दें। अल्लाह तबारक व तआला
خوب دعائیں مانگی جائیں اور اس میں ہدایت کی دعا ہمیشہ ہمیشہ محتاج ہیں ہدایت کی، ہر وقت محتاج ہیں، موت تک محتاج ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم صراط کہا، صراط طریق نہیں کہا، طریق کے معنی بھی راستے کے، سبیل نہیں کہا اسے سبیل کے معنی بھی راستے کے، طریق اور سبیل نہیں کہا، صراط کہا آخرت کی صراط یاد دلانے کے لیے. جو کل صراط پر آپ کے سامنے بات پیش کی گئی اس لیے اس کی بھی دعا ہو. جب وہاں انبیاء علیہ السلام دعا مانگے رب سلم سلم، ہمیں وہاں ہم دعا مانگے وہاں کی دنیا میں سیدھا راستہ نصیب ہو. اسی طریقے سے ہمیں اب صراط الذین انعمت علیہم میں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں چاہیے نمونہ قدوہ، اچھا نمونہ جو ہمارے لیے مشعل راہ، انسانوں کی ایک جماعت، انسانوں کی ایک ٹولی، اور پھر ہمیں اس کی جستجو ہو حق کی، ہدایت کی. اور یہ ہدایت پہ چلنا، ہدایت کے راستے پہ آسان ہوگا جب ان انعام یافتہ لوگوں کی جماعت نصیب ہو جائے. انسان تنہا بھٹک جاتا ہے، تنہا اگر ہو جائے تو گمراہ ہو سکتا ہے. من شذ شذ فی النار یذوذ علی الجماعۃ، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ہر جماعت پر ہے. جماعت سے مراد پوری امت مسلمہ، پوری ایک جماعت. یعنی جو جماعتیں بٹھی ہوئی اس میں وہ مراد نہیں ہے. یذوذ علی الجماعۃ سے مراد وہ جماعتیں جو الگ الگ ہیں، دعوت کی ہو یا کسی اور کی، اس سے یہ مراد نہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ اگر ہوگا تو عمل صالح آسان ہوگا، راستے پہ چلنا آسان ہوگا، صحیح راستے پہ. تو اس لیے ایسے لوگوں کی جماعت کے ساتھ ہونا ہے. راستہ مدینہ نام ظاہر ہے، یہ ہے سورہ فاتحہ کا حکم. سورہ فاتحہ میں جو تقاضا ہے، جس تقاضا کیا، مطالبہ کیا ہم سے، وہ یہ ہے اچھے لوگ، صالحین کی جماعت، ان کے ساتھ. اور پھر ہماری پوری کوشش ہو کہ ہم بروں کے ساتھ نہ رہیں. بہت سی باسی جماعتیں ہیں، بہت سی منحرف جماعتیں ہیں، بہت سی گمراہ جماعتیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، وہی زیادہ ہیں. اور ان جماعتوں کے نکلنے کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے ہو گیا تھا. خوارج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے. وہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھی کہ علی ان کو ماریں گے، قتل کریں گے، بشارت سنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد تو گمراہ فرقوں کا ایک تازہ بدیا قدریہ، ماتریدیہ، جہمیہ، ایک پوری لسٹ ہے غلط فرقوں کی، غلط لوگوں کی، گمراہ لوگوں کی. جو آپ ادیان الفرق پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، ادیان الفرق کے نام سے کتابیں لکھی گئی ہیں، تو معلوم ہوگا کتنی زیادہ ہیں. اور آئے دن ایک نہ ایک گمراہ فرقے نکلتے رہتے ہیں. اور عام طور پر خیر کے نام پر، ذکر کرنے والوں کے نام پر ذکری فرقہ ہے. یہ نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، ذکر کریں گے، اس ایک سب کا مقصد ذکر ہے،
जिक्र करे सिर्फ गुमराह फिर गई। इस तरीके से हमें इसकी जस्तजू में रहना है कि इनाम याफ्ता कौन लोग हैं, उन जमात के साथ हमें रहना है और उनकी तमाम चीज़ें वाज़े हैं, सब चीज़ें वाज़े हैं। निशानी बता दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हमें उन तमाम लोगों से बचना है जो भले दावा करें हक का और लंबे चौड़े उनके बयानात हों, लेकिन उनसे होशियार रहना है। जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ उनके रास्ते पर नहीं चलना, जो गुमराह हुए उनके रास्ते पर नहीं, उनके तरीके पर नहीं चलना है, और उन आमाल से भी दूर रहना है जो गज़ब के हैं, जिनसे अल्लाह का गज़ब नाज़िल होता है, और उन बदआमालियों से भी दूर रहना है जिससे गुमराही मिलती है। कुछ मिसालें आपके सामने दे दी गई थी। ये है वो खुलासा तौर पर पूरे सूरह फातिहा का खुलासा जो आपके सामने पेश कर दिया गया, ताकि चंद मिनटों के अंदर ये बातें हों और हम इसको ध्यान में रखें कि हमें ये चीज़ इख्तियार करनी है, इन पर अमल करना है, इसको ही वेदान बनाना है और इनसे हमें बचना और दूर रहना है, बचना और इनसे हमें दूर रहना है। ये है वो सूरह फातिहा जो साथ साथ आपके सामने बातें पेश की गई हैं। जहाँ तक इख्तलाफी मसाइल हैं उनको कुरान करीम की तफसीर में नहीं छेड़ना चाहिए। हक मालूम कर ले हक क्या है, लेकिन कुरान करीम की तफसीर में उसे नहीं छेड़ना चाहिए। उसका नतीजा ये होता है कि जो उसके खिलाफ होते हैं उसको छूते नहीं, जबकि एक बेहतरीन तफसीर लिखी हुई है, बहुत उमदा तफसीर है, लेकिन अब जो उसके मुखालिफ हैं वो कहते इसको मत पढ़ना जी, इसमें तो उन्होंने अपना मसलक पेश किया है। तब लोगों को उस कुरान के पढ़ने से रोका जाता है। तो इसलिए अगर इन इख्तलाफात से, जो फ़िक़ही इख्तलाफात हैं, मजहबी इख्तलाफात हैं, उनसे कुरान को दूर रखा जाए तो बेहतर है, लेकिन अगर बताना हो तो पूरी बात बता दी जाए, पूरी बात बता दी जाए, छोड़ दिया जाए, अधूरी न रखी जाए, पूरी बात बता दी जाए। अब यहीं पर लोगों ने तफसील से बातें पेश की हैं कि इमाम के पीछे या नमाज में सूरह फातिहा का पढ़ना क्या है, तो पूरी तफसीली खुलासा बात यह है, तफसील का खुलासा यह है कि मुनफरिद के लिए ज़रूरी है, इमाम के लिए ज़रूरी है, मुक्तदी के लिए इख्तलाफ है अइमे किराम के दरमियान, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूरह फातिहा पढ़े, सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, जो हदीस है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस, मतलब यकरा फातिहा इकरामी फला सलात अलैह, ये सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई। लेकिन ये हदीस मुतलक है, हर नमाजी के बारे में नहीं है, एक नमाजी मुक्तदी भी होता है, लेकिन उन्होंने इस मुतलक पर अमल किया, कहा कि सबको सूरह फातिहा पढ़ना है इस हदीस की बिना पर। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो नमाज जहरी है उसमें नहीं पढ़ना है, और जो नमाज सिर्री है उसमें सूरह फातिहा पढ़नी है। जो जहरी नमाज है या जिसमें इमाम बुलंद आवाज से तिलावत करते हैं उसमें सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाएगी, और जिसमें इमाम क़िरात बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ते उसमें सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी। उनके पास भी हदीस है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, कुरान की आयत है, इज़ा क़ुरिया अल-क़ुरान फ़स्तमिऊ लहू वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए तुम गौर से सुनो, खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए,
जब कुरान पढ़ लिया गया और सुनने वाला बुलंद आवाज सुन रहा है, तो उसका पढ़ना पढ़ने वाले का पढ़ना सुनने वाले का है। तो अब उस कुरान के पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब उसको उस पढ़ने की जरूरत नहीं है जो मुक्तदी है पीछे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीस हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज में नमाज के बाद पूछा कि आप लोग मेरे पीछे पढ़ते हैं क्या कुरान? कहा हाँ। अरे नमाज बुलंदाबाद पढ़ी जाती है तरह। कहा हाँ। फरमाया तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्यों मेरे कुरान के पढ़ने में टकराव पैदा हो रहा, हलचल पैदा हो रहा। तुम इमाम के पीछे मत पढ़ो, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मना किया। लोगों ने जहरी नमाजों में पढ़ना छोड़ दिया। जहरी नमाज थी फजर की, तो जहरी नमाजों में पढ़ना छोड़ दिया इमाम के पीछे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुरान की आयत भी है। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इमाम के पीछे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इमाम के पीछे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि जब इमाम मुकर्रर किया गया तो इमाम का पढ़ना जो पीछे उनका पढ़ना हुआ। वो भी हदीस पेश करते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िरात मामूम लहु क़िरात, मुक्तदी की क़िरात इमाम की क़िरात, क़िरात इमाम लहु क़िरात, इमाम की क़िरात मुक्तदी की क़िरात है। यह हदीस के बहुत से तुरुक हैं, अक्सर तुरुक ज़ईफ़ हैं, लेकिन एक तरीक इस हदीस का जो यूनुस से है वो सही है। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि जब इमाम हमने बना दिया, और अपनी दलील भी देते हैं कि जब कोई शख्स कोई मामला लेकर कोई लोग कुछ लोग जाना चाहते हैं किसी के यहाँ, तो सब नहीं बोलते, एक को अमीर बनाते हैं, कर तुम बोलना हमारी तरफ से, वो बोलता है। सब बोलने लगे तो भगा दिए जाएंगे। तो उसका बोलना उन सब का बोलना है जो जिसने उसको अपना इमाम बनाया, अमीर बनाया। और साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के आमाल से भी है, बहुत से साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के बारे साहबा इमाम के पीछे क़िरात नहीं करते थे, तो इसलिए उनके नज़दीक वो नमाज जिसमें सूरह फातिहा, सूरह फातिहा ज़रूरी है, लेकिन वो नमाज जिसमें सूरह फातिहा पढ़ी गई तो इमाम ने पढ़ा। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है जो मुस्लिम शरीफ वगैरह में है कि इज़ा क़ाल अल इमाम व अज़्ज़ालीन क़ुलू आमीन, जब अल अज़्ज़ालीन इमाम कहे तुम आमीन को, इन्हीं का तुम भी पढ़ो और आमीन को, इन्हीं का वो कहे अल अज़्ज़ालीन तुम आमीन को। तो जो मसाइल हैं उनको पूरा पेश कर दें, तमाम चीज़ें लिख दें, तो फिर उसके बाद कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बेहतर यह है कि इन मसाइल से कुरान करीम की तफसीर को दूर रखा जाए, जब उसमें चीज़ आएँ तो या तो पेश की जाए तो पूरी बात पेश कर दी जाए। यह है आपके सामने आज जो सूरह फातिहा पर बात पेश की गई, इंशाअल्लाह सूरह बकरा आइंदा शुरू की जाएगी। आज इन चंद बातों के इत्तेफाक स्वागत करना चाहिए।